ईव्हीएम फोडण्याकरता कमिटी तयार कराव्या लागतील असं वादग्रस्त वक्तव्य वामन मेश्रामनी केलंय. ईव्हीएम विरोधातील आंदोलनाची रणनीती सांगतो असंही मेश्रामनी म्हटलंय. ईव्हीएम विरोधी जनपरिषदेत भारत मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी हे वादग्रस्त विधान केलंय. कि हमें ईव्हीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमिटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश भर. तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले एक महीने में आपके जिले में जितने बूथ है वो सारे बूथ लेवल पर कमिटियां निर्धारित हो सकती है. अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमिटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे. तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा, तो इसलिए पांच आदमी कम से कम कमेटी में होने चाहिए. अगर पांच बार फोड़ना पड़े तो पांच बार फोड़ेगा. पंद्रह लाख लोग जब फोड़ेंगे ना किसी को जेल नहीं होगी, लिख के देता हूं. एक आदमी फोड़ेगा तो होगा, 15 लाख आदमी फोड़ेंगे तो बोलते तो नेशनल एजेंडा हो गया. मैं आपको आंदोलन की रणनीति भी समझा रहा हूं कि अगर एक आदमी फोड़ेगा वो जेल में जा सकता है, 15 लाख लोग फोड़ेंगे कोई जेल में नहीं लेके जाएगा. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.